सीडीपी की सॉरी हिंदी की इस महत्वपूर्ण क्लास में मैं मुख्य आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्रेंड। फटाफट सभी साथी लाइव आ जाइए, हिंदी की परीक्षा वाली क्लास प्रारंभ हो चुकी है। जी हाँ फ्रेंड, हिंदी की परीक्षा वाली क्लास प्रारंभ हो चुकी है, आप सभी साथी फटाफट लाइव आ जाइए। जी हाँ, जितने भी लोग हैं जल्दी जल्दी लाइव जुड़ जाए फ्रेंड, फटाफट जल्दी जल्दी। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड आपका कि कृतज्ञ का विलोम शब्द है। जी हाँ फ्रेंड, क्वेश्चन है कृतज्ञ का विलोम शब्द है कुकृत, कृतघन, परोपकारी, कपटी। फटाफट से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए आंसर कमेंट करके बताएं फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सही जवाब क्या है। जल्दी जल्दी सभी साथी जुड़ जाए, जैसे जैसे जुड़ते जाए वीडियो को शेयर करते जाए सभी साथियों तक। जितने भी साथी आपके ग्रुप में हैं फ्रेंड, सभी साथियों से वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि यह आपके परीक्षा में निश्चित तौर पर फ्रेंड काफ़ी मददगार क्लास साबित होने वाली है। इसलिए आपको करना केवल करना फ्रेंड जुड़ना है, वीडियो को शेयर करना है सभी साथियों तक, बस फटाफट वीडियो को शेयर करिएगा सभी साथियों तक। पहला क्वेश्चन आपका है कि कृतक का विलोम क्या होगा। कृतक का विलोम कृतघन होगा, बी वाले साथियों के जवाब सही हैं। बी वाले साथियों के जवाब सही है भैया कि कृतक का विलोम कृतघन होगा, विकल्प नंबर बी इज राइट आंसर। बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा, बी इज द राइट आंसर। विकल्प नंबर बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। जल्दी से एक बार सभी लोग लाइव आ जाइए फटाफट और आंसर कमेंट करने प्रारंभ कर दीजिए जल्दी से। अगला है विभत्स रस का अस्थाई भाव। जी हाँ फ्रेंड, ये थोड़ा सा पूछा जा रहा है कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। जी हाँ, विभत्स रस का अस्थाई भाव है क्रोध, भय, विस्मय, जुजुक्ता। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है फ्रेंड। विभत्स रस का अस्थाई भाव क्या है फटाक से बताएंगे। देखिए रौद्र है, रौद्र रस का है क्रोध, अद्भुत रस का है सॉरी अद्भुत रस का है आपका विस्मय, और देखिए भय किसका है ध्यान नहीं आ रहा थोड़ा सा, ये देखिए विभक्ता जो है वह आपका है जुगुप्सा का। इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ, भयानक, भयानक रस का आपका जो अस्थाई भाव है वह भय है, सॉरी भयानक रस का अस्थाई भाव भय है। आगे जल का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड, जल का पर्यायवाची नहीं है, नीर है, तोय है, पय है, अम्बुत, नीर, तोय, पय, ये सब है। पीयूष जल का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड, पीयूष जल का पर्यायवाची नहीं है, पीयूष अमृत का पर्यायवाची है, जल का पर्यायवाची नहीं है फ्रेंड। सभी साथियों को मेरा प्रणाम स्वीकार, सभी साथियों को हर हर महादेव, राधे राधे, सभी को नमस्कार। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, वीडियो को शेयर करिए, प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सभी साथी कमेंट सेक्शन में आंसर कमेंट करेंगे। आगे बताइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आंसर जल्दी जल्दी छापिए कमेंट सेक्शन में। निम्नलिखित में से किस वाक्य में वर्तनी संबंधित अशुद्धि है। जी हाँ, वर्तनी संबंधित अशुद्धि है, ईश्वर अंतर्यामी है, उज्ज्वल चांदनी और शहर का आनंद होता है, आपका स्वास्थ्य अब कैसा है, विद्यार्थी को स्वावलंबी होना चाहिए, अशुद्ध वर्तनी वाला। जी हाँ, अशुद्ध वर्तनी संबंधित कौन सा वाक्य है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फोर्थ के लिए आंसर कमेंट करिए, थोड़ा सा ट्रिपल क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से आप देखेंगे तो आंसर सही हो जाएगा। जी हाँ, उज्ज्वल चांदनी में सैर का आनंद आता है। जी हाँ, देखिए यही पर यहाँ पर अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। यहाँ पर उज्ज्वल, देखिए यहाँ पर अशुद्ध लिखा है, गलत लिखा है यहाँ पर। आप सभी को पता है कि उज्ज्वल कैसे लिखा जाता है, उज्ज्वल इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर यह गलत वर्तनी वाला शब्द है, इसलिए विकल्प नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर फाइव, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसे कहते हैं आश्रयदाता, आलंबन, उद्दीपन या आलंबजन उद्दीपन। यहाँ फ्रेंड, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उस व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या होता है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है कि भाव जिसके हृदय में रहता है उस व्यक्ति के लिए एक शब्द क्या कहेंगे आप। जी हाँ, जल्दी जल्दी आंसर कमेंट करिए क्वेश्चन नंबर फाइव के लिए, आंसर आपके आ नहीं रहे हैं, थोड़ा सा लेट आप लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। आश्रय द राइट आंसर, भाव जिसके हृदय में रहते हैं उसके लिए एक जो शब्द होता है फ्रेंड होता है आश्रय, विकल्प नंबर ई इसलिए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है, भ्राता, मकान, तब, बयार। तो देखिए भ्राता यहाँ पर तत्सम है, बाकी सारे तद्भव हैं। भ्राता यहाँ पर फ्रेंड तत्सम है, सॉरी हाँ तत्सम है, बाकी सारे तद्भव हैं। आप ध्यान से देखिएगा, भ्राता यहाँ पर तत्सम है, बाकी सारे तद्भव हैं, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। एक कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही है।
आगे वागीस, जी हाँ वागीस में आ संधि विच्छेद होगा, वागीस का संधि विच्छेद होगा। वाग्धन ईस, वाक्धन ईस, वाग्धन ईस या वाक्धन ईस, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है फ्रेंड। वागीस आपका, वागीस आपका यह व्यंजन संधि का उदाहरण है, इसमें प्रत्येक वर्ण का जो है तीसरा वर्ण हो जाता है। वाक्धन ईस इज द राइट आंसर, वाक्धन ईस इसका बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। बी द राइट आंसर, बी कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। अगला क्वेश्चन, दोहरा लाभ, दोहरा लाभ श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? दोहरा लाभ श्लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? अंधे के हाथ बटेर, भागते भूत की लगोटी ही नहीं, लगोटी ही सही, अंत भला तो सब भला, आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन, आई होप मेरे सभी साथियों के जवाब सही होंगे कि दोहरा का लाभ का मतलब होता है आम के आम गुठलियों के दाम। डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही विकल्प है, डी द राइट आंसर, डी इस प्रश्न का सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप, उपमेय में उपमान का निषेध रहित अलंकार, जहाँ उपमेय में उपमान का निषेध रहित आरोप हो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है? उपमा होता है, रूपक होता है, उत्प्रेक्षा या अतिशयोक्ति। करा दिया था कि जहाँ पर उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है, जी हाँ उपमेय को उपमान का रूप दे दिया जाता है वहाँ पर रूपक अलंकार की उत्पत्ति होती है। मुखचंद्र तुम्हारा देख सके मन सागर मेरा लहराता है, जी हाँ मुख को चंद्रमा का और मन को सागर का रूप दे दिया गया है। दशानन में कौन सा समास है? दस है आनंद जिसके अर्थात रावण, दस है आनंद जिसके अर्थात रावण। यहाँ पर दोनों शब्द अपना अर्थ छोड़कर किसी तीसरे अर्थ की तरफ संकेत कर रहे हैं, जो यह बताता है कि यहाँ पर बहुव्रीहि समास है। विकल्प नंबर सी द राइट आंसर, सुवर्ण को खोजत पिरत कभी व्यभिचारी चोर, सुवर्ण को खोजत पिरत कभी व्यभिचारी और। सुवर्ण के यहाँ पर तीन अर्थ हैं, सुंदर अक्षर, सोना और सुंदर स्त्री। सुवर्ण के तीन अर्थ हैं, सोना, सुंदर अक्षर और सुंदर स्त्री, इसलिए इसका जो सही अलंकार होगा वह विकल्प नंबर सी होगा। श्लेष अलंकार इज द राइट आंसर, श्लेष अलंकार इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि श्लेष अलंकार में एक शब्द में एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा, जी हाँ निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द कौन सा है? आयु, आदेश, ग्रंथ या गुरु? अनेकार्थी शब्द कौन सा है फटाफट बताइएगा। आयु नहीं है, आदेश नहीं है, ग्रंथ नहीं है, गुरु अनेकार्थी शब्द है फ्रेंड। गुरु के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं, इसलिए विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। जिसे जीता ना जा सके, एवर ग्रीन आपका क्वेश्चन है हिंदी के लिए, जिसे जीता ना जा सके, एवर ग्रीन क्वेश्चन है, काफ़ी बार परीक्षा में सीधे पूछ लिया गया है। जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है? अजय, बहुत बढ़िया, जिसे जीता ना जा सके उसे अजय कहते हैं, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? कौन सा शब्द तद्भव है? वस्त्र, रात्रि, काज, वायु, कौन सा तद जो शब्द है फ्रेंड वह तद्भव है? फटाफट आंसर कमेंट कर बताइएगा, कौन सा जो शब्द है वह तद्भव है। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर कमेंट करिएगा, वस्त्र आपका तत्सम है, रात्रि तत्सम है, वायु तत्सम है, काज यहाँ पर तद्भव है। जी हाँ फ्रेंड, काज यहाँ पर तद्भव है, इसका जो होगा वह तत्सम होगा, वह कार्य होगा। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड, बेइज्जती करना, जी हाँ बेइज्जती करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बेइज्जती करना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? पाँव उखाड़ना, बखिया उलेड़ देना, पगड़ी उछालना या भीगी बिल्ली बनना। देखिए भैया, बेइज्जती करने का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाना, और एक व्यक्ति को आत्मसम्मान को ठेस कब पहुँचती है? जब उसकी पगड़ी उछाली जाती है, जब भरे समाज में उसकी पगड़ी उछाली जाती है तब उसकी आत्मसम्मान को ठेस पता अर्थात उसकी बेइज्जती की जाती है। विकल्प नंबर सी वाले साथियों के जवाब सही हैं, सी द राइट आंसर। एक बार सभी साथी तुरंत जल्दी जल्दी वीडियो को शेयर कर देंगे, जितने भी लोग लाइव इसमें देख रहे हैं सभी साथी फटाफट वीडियो को शेयर करेंगे जल्दी से। अगला, किए गए उपकार को मानने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? कृतार्थ, कृतघ्न, कृतज्ञ या दयालु? अब भैया, किए गए उपकार को जो मानता है उसके लिए एक शब्द क्या होता है? आप सभी को पता है, मुझे भी पता है, तो आंसर में कमेंट कर दीजिए कि जो किए गए उपकार को मानता है उसके लिए एक शब्द होता है कृतज्ञ, और जो नहीं मानता है कृतघ्न, जो किए गए उपकार को नहीं मानता है कृतघ्न, और जो मानता है उसके लिए एक शब्द क्या है? कृतज्ञ। विकल्प नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य भूतकाल का है? कौन सा वाक्य भूतकाल का है?
यदि वह जाता तो मैं भी जाता। मोहिनी खाती होगी, उसने खाना खाया। मोहन ने पढ़ा है, कह रहे हैं कि कौन सा वाक्य भूतकाल का है। यदि वह जाता तो मैं जाता, ये देखिए भूतकाल का वाक्य है। पहला ही आपका विकल्प ये सही हो जाएगा कि यदि वह जाता तो मैं जाता, यही आपका भूतकाल का वाक्य है। विकल्प नंबर ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। ए इज द राइट आंसर, ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक, वचन की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। प्रत्येक व्यक्ति यही करेगा, कहेगा हर एक कुआं मीठे जल का नहीं होता, मैं उसकी सज्जनता पर मुग्ध हूँ, उसका प्राण निकल गए। कौन सा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है? जी हाँ प्राण, जल्दी से बताइए कौन सा यहाँ पर अशुद्ध वाक्य है, फटाफट आंसर कमेंट करिएगा। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर यह बिल्कुल सही वाक्य है आपका, यह भी बिल्कुल सही वाक्य है। अभी यहाँ पर उसका प्राण निकल गया नहीं, यहाँ पर उसके प्राण निकल गए, ये शुद्ध होगा फ्रेंड। उसके प्राण निकल गए, ये वाक्य यहाँ पर शुद्ध होगा, इसलिए विकल्प नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्योंकि जो प्राण होता है फ्रेंड, यह आपका सदैव बहुवचन में रहने वाला वाक्य है, इसलिए यहाँ पर विकल्प नंबर डी हमारा सही जवाब हो जाएगा। रीतिकाल के कवि कौन है? निम्नलिखित में से रीतिकाल के कवि कौन हैं? तुलसीदास जी हैं, कबीरदास जी हैं, वृंद हैं या सूरदास हैं? फटाफट बताइए फ्रेंड, रीतिकाल में किस कवि का संबंध है? तो रीतिकाल की जब भी बात आती है तो आप एक कवि का नाम तो निश्चित तौर पर याद रखेंगे, बिहारी की। जी हाँ, बिहारी रीतिकाल के बड़े ही प्रसिद्ध कवि थे, जिन्होंने एकमात्र रचना लिखी है बिहारी से सही। साथ ही साथ केशव प्रसाद अन्य कवि हैं, यहाँ पर भी एक कवि आपके हैं कवि बिंद आपके, यह रीतिकाल के कवि हैं, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। सूर्योदय में कौन सी संधि है? सूर्योदय में कौन सी संधि है? यह क्वेश्चन तो मेरे सभी साथियों के सही होने चाहिए भैया। सूर्य धन उदय आदि गुण है, मतलब गुण संधि होगा। सूर्योदय में आपकी गुण संधि होगा फ्रेंड, सूर्य धन उदय, विकल्प नंबर ए इज द राइट आंसर। कहाँ दीर्घ की तरफ जा रहे हैं? दीर्घ नहीं होगा भाई, गाड़ी को अपने पीछे लाइए, ये होगा गुण संधि। गुण वाले का जवाब सही है। अंक के अनाकार्थी शब्द में कौन से शब्दों का अर्थ अर्थ जो समूह है वो सही है? अंक गोदी हिस्सा, गोद संख्या अभाज्य अध्याय, संख्या भाग टुकड़ा, अध्याय समय अवस्था। यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यह भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से आप देखिए। अंक का अर्थ होता है गोद, बिल्कुल सही है। अंक का अर्थ होता है संख्या, बिल्कुल सही है। और अंक का अर्थ होता है अध्याय, यह बिल्कुल सही है, इसलिए विकल्प नंबर बी के साथ चलेंगे, उसी पर मुहर लगा देंगे, जवाब हमारा सही हो जाएगा। जी हाँ, आगे बात करेंगे चिर चिर। जी हाँ, चिर चिर इसके सही अर्थ में का विकल्प आपको चुनना है। चीर चीर, एक चीर का मतलब अस्त्र तो होता ही है, आप जानते हैं एक चीर का मतलब वस्त्र तो होता है, लेकिन दूसरे चीर का आपको पता रहेगा तभी आप जवाब दे पाएंगे। ध्यान से आंसर आपको देखिए, लंबा प्राचीन, वस्त्र पुराना, पेड़ वस्त्र या पुराना वस्त्र। जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा क्वेश्चन नंबर 22 के लिए, फटाफट क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर कमेंट करिएगा। तो देखिए, इस चीर का जो अर्थ होता है फ्रेंड, होता है पुराना, और इस वाले चीर का अर्थ होता है वस्त्र। तो विकल्प नंबर डी वाले बाजी मार गए हैं, डी वाले साथियों के जवाब यहाँ पर सही हो गए हैं कि चिर का अर्थ होता है पुराना और चिर का अर्थ होता है वस्त्र। वचन किसका बोध कराता है? वचन किसका बोध कराता है? भैया बिल्कुल हलवा क्वेश्चन पूछ लिया गया है, वचन किसका बोध कराता है? जी हाँ, प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, प्राणी या वस्तु के एक होने का, प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, प्राणी और वस्तु के लिंग का। तो भैया पहला वाले ऑप्शन पर टिक कर दीजिएगा, जवाब आपका सही हो जाएगा। वचन क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के, किसी भी वस्तु के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। जी हाँ, किसी या व्यक्ति के एक या एक से अधिक होने का बोध कराता है। और लिंग क्या होता है? किसी भी व्यक्ति के जाति का बोध कराता है, वह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। व्याकरण में काल का अर्थ है, व्याकरण में काल का अर्थ है अंत, समय, पीड़ा या मृत्यु। व्याकरण में देखिए काल का अर्थ समय होता है, आप सभी ने पढ़ा है। यदि आप सभी ने टेंथ पढ़ा है, हिंदी में पढ़ा है, इंग्लिश पढ़ा है, तो टेंथ का अर्थ होता है काल, टेंथ का अर्थ होता है काल या समय। विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। व्याकरण में काल का अर्थ समय होता है, इसलिए जवाब हमारा बी बिल्कुल सही है। दोहा छंद में कितने चरण होते हैं? तो दोहा छंद में चार चरण होते हैं, प्रथम और तृतीय में 11-11 मात्राएँ, और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएँ, कुल 24 मात्राएँ होती हैं। विकल्प नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है कि दोहा में चार चरण होते हैं, दोहा में फ्रेंड चार चरण होते हैं। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 26 की। राजा ने ब्राह्मण को धन दिया रेखांकित में कारक।
कर्म को, जी हाँ, कर्ता ने कर्म को करण से, तो को आ गया है ना, तो को मतलब कर्म कारक। बी इज द राइट आंसर, बी प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध काके की रारे री संबोधन हे हो। अरे यह सिंपल सा पहचान है। आगे बात करेंगे लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य है। फटाक से आंसर कमेंट करिएगा, लिंग की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? मोटा या आदमी आया, मोटा मोटाया आदमी आया। आपकी चरित्र अच्छी है, तुम्हारी जेब खाली है, उसकी कलम खो गई। बताइए सही वाक्य कौन सा है? ध्यान से आंसर देखेंगे आप सभी लोग सही कर पाएंगे, इसको आप पढ़ेंगे भी तभी आपका सही हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से कौन सा वाक्य यहाँ पर अशुद्ध है, कौन सा अशुद्ध वाक्य, वही आपको बताना है। मोटा या आदमी आया, बिल्कुल सही है। आपकी चरित्र अच्छी नहीं है, आपका चरित्र अच्छा है भैया, आपका चरित्र अच्छा है, यह हम कहते हैं। आपकी चरित्र अच्छी है यह नहीं कहते हैं, इसलिए बी वाला जो है अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। बी वाला अशुद्ध है, बाकी सारे शुद्ध हैं। ले भैया एकदम सरल हलवा वाला प्रश्न पूछ लिया गया। कामायनी के रचनाकार, कामायनी के रचनाकार जयशंकर प्रसाद का यह प्रसिद्ध महाकाव्य कामायनी, विकल्प नंबर ए वाले साथी ने तुरंत आंसर कमेंट करना प्रारंभ कर दिया है। ए इज द राइट आंसर, कामायनी के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद। रंगीला शब्द में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है, रंगीला में प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। रंगीला, रंग प्लस इला, रंग प्लस इला से मिलकर बना है रंगीला। अब आप बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? इला इला दो है, बी भी है डी भी है, लेकिन कौन सा सही होगा? तो रंग धन इला से मिलकर बना है रंगीला, इसलिए डी वाला जवाब सही हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सम उपसर्ग से बना शब्द, सम उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है? संयोग है, सुकर्म है, संभाव है या स्वयं है? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब क्या है। सम उपसर्ग से बना शब्द कौन है? भैया सीधा दिख रहा है, सम प्लस भाव, सम प्लस भाव से मिलकर बना है संभाव, इसलिए विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सी द राइट आंसर, संभाव इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। विकल्प नंबर सी पर कमेंट करने वाले सभी साथियों के जवाब सही हैं। जी हाँ, तो ये था फ्रेंड आज का आपका क्लास। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा। वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अपने अपने स्कोर कमेंट करना प्रारंभ कर दीजिएगा, कितने क्वेश्चन आपने सही अटेम्प्ट किए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, गुड बाय।